मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। दिल्ली में शराब पीकर घर में पति की महिला ने पीट पीट कर की हत्या। दिल्ली में 32 वर्षीय महिला को शराब पीकर आए पति की पीट पीट कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली महिला आयोग के मुताबिक महिला अपने पति को रोज शराब पीकर पीटने के आरोप में कोर्ट ले जा चुकी थी। पता चला है कि डीसीपी गौरव शर्मा शख्स शराब पीने का आदी था, जिसे लेकर महिला झगड़ती थी। सुना है महिला ने पति को रॉड व बेल्ट से भी पीटा। मुंबई में 60 साल के व्यापारी ने की पत्नी की हत्या, 5वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। मुंबई में व्यापारी आनंद लक्ष्मीनाथ मखीजा 60 साल ने कथित तौर पर पत्नी कविता की चाकू से हत्या करने के बाद 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के बीच झगड़ा होने का शक जताया है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक कविता को 5 साल से अस्थमा था और आनंद का घर पर रहकर उसकी देखभाल करते थे। घर पर रहकर दुकान का अकाउंट संभालते थे। शख्स ने समय पूर्व जन्मी बेटी का शव दफनाने के लिए खोदा गड्ढा, जीवित मिली दूसरी बच्ची। घटना उत्तर प्रदेश की है। समय पूर्व जन्मी बेटी की मौत होने पर उसे दफनाने के लिए गड्ढा खोदने के दौरान उत्तर प्रदेश के एक शख्स को जमीन के 3 फीट नीचे मिट्टी के बर्तन में एक जीवित बच्ची पड़ी हुई मिली। शख्स ने बच्ची को बचाकर रुई के जरिए दूध पिलाया। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।